कक्षा 11वीं में राजनीति शास्त्र में अध्याय 10 विकास, हमने अभी विकास वाले पार्ट में पूर्व में कुछ विकास के मॉडल पढ़े थे। गांधीवादी मॉडल पढ़ा था और समाजवादी मॉडल पढ़े हुए थे, बाजार समाज मॉडल और भी मॉडल के बारे में पढ़ा था। लेकिन हम देखते हैं कि जो विकास के मॉडल जो निर्धारित किए गए तो उनमें कुछ आलोचनाएं भी हुई। आलोचना ये हुई कि समाज को कुछ ना कुछ ही घाटा हुआ। समाज के लोग, जब कोई भी औद्योगिक विकास होता है देश में या बड़े स्तर पे होता है, जैसे बांध का निर्माण, औद्योगिक गतिविधियां, खनन क्रिया होती है, तो वहाँ के जो समाज के लोग हैं उनको विस्थापित होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उनके उस एरिया में वो लोग रह नहीं सकते हैं। तो विस्थापन होने का क्या होता है, उनमें अपना एक सामाजिक स्तर हट जाता है और आजीविका मतलब जो रोजगार वहाँ प्राप्त होता है वो होने का डर रहता है। दरिद्रता उत्पन्न हो जाती है, जो खेती और समुदाय है उनको अलग जगह विस्थापित करते हैं तो उनका खेती वाला काम भी छूट जाता है। और शहरी और ग्रामीण गरीबों की विशाल आबादी में शामिल हो जाते हैं। तो लंबी अवधि में क्या होता है कि जो परंपरागत जो जहाँ रहता है वहाँ पर उसके जो कौशल है वो नष्ट हो जाते हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनकी परंपराएं हैं वो भी सब दब जाती हैं। मतलब उनका पूरा सामुदायिक जीवन खतरे में पड़ जाता है, उनको नई नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम देखते हैं इस प्रकार समाज में उनको व्यक्तियों को थोड़ा सा हानि उठानी पड़ती है। दूसरा है कि पर्यावरण को भी क्या करनी पड़ती है, हानि उठानी पड़ती है। पर्यावरण बहुत हो जाता, पेड़ पौधे कट जाते हैं, भूमि जल वन जैसे प्राकृतिक संसाधन वहाँ पर हम औद्योगिक का विकास कर लेते हैं, मिट्टी का कटाव, भूस्खलन, ये सारी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब 1990 में हमने देखा कि करीब भूमंडलीय तापमान, वैश्विक तापमान में थोड़ी सी क्या हो गई थी वृद्धि, 0.3 से 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा हो गया था। इसका कारण था कि वहाँ वनों का विनाश हुआ, पेट्रोल ईंधनों का ज्यादा उपयोग हुआ ना, तो इस प्रकार कारखानों के खुलने से हानिकारक धुआं निकला, विषैली गैस छोड़ी गई। और अलास्का में विश्व स्तर पर देखें तो अलास्का में जलवायु उष्णता के कारण 1950 से 2000 के बीच में 10,000 से भी झीलें सूख गई और उनका आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। और भी हम देखें तो रूस में एक रसायन उत्पादक संयंत्र वायुमंडल में जो रासायनिक धुआं छोड़ रहा है, तो इस प्रकार वायुमंडल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। और बलूत और चीड़ के वृक्ष भी क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो जो विकास के लिए मॉडल बताए गए हैं ये कहीं तो फायदा करते हैं, लेकिन इससे पर्यावरण और समाज के जो लोग हैं गांव जहाँ वो विस्थापित होते हैं तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास के बारे में हम देखते हैं कि उन्नति तो होती है, गरीबी घटने में भी सफलता प्राप्त होती है, लेकिन असमानता हो जाती है, गरीब और अमीर के बीच में मध्य दूरी ज्यादा बढ़ गई है, लाभ का वितरण एक जैसा नहीं हो रहा है, तो एक को फायदा हो रहा है दूसरा वर्ग वंचित है। उन्नति के बावजूद भी क्या होता है कि गुणवत्ता में वृद्धि नहीं हो पाती है। तो हम देखते हैं कि खाई हो जाती है एक समाज में एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में आर्थिक खाई उत्पन्न हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे सतत धरणीय विकास क्या है। सतत मतलब 1987 में एक पर्यावरण और विकास संबंधी विश्व आयोग द्वारा कई योजनाएं बनाई गई और इस आयोग द्वारा सतत विकास को जो अर्थ बताया गया वो बताया गया था कि ऐसा विकास
जो हमारी आज की जरूरतों को पूर्ति के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी क्या करे, अनदेखी ना करे, तो आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखे, ये कहलाता है हमारा सतत विकास। तो सतत विकास में तीन चीजों को हम शामिल कर सकते हैं, सभी के लिए उन्नत जीवन स्तर, बेहतर सुरक्षित और नियंत्रित पर्यावरण, सुरक्षित और आर्थिक समृद्ध, अधिक समृद्ध भविष्य। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सतत विकास है उसमें हमें ऐसा योजना बनानी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को भी उससे लाभ प्राप्त हो। अब विकास की वैकल्पिक अवधारणा, मतलब और भी अन्य ऐसे हैं जिससे हमारा विकास अच्छे से हो सकता है, तो जिससे मानव और पर्यावरण दोनों को फायदा पहुंचे। तो अधिकतर देशों में विकास की ऊपर से नीचे की रणनीति अपनाई गई और विकास की प्राथमिकता और रणनीतियों का चयन और परियोजनाओं के वास्तविक कार्यों से सभी फैसले आमतौर पर राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के उच्चतर स्तरों पर होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सब ऊपरी स्तर पर ये योजनाएं बन जाती हैं और हम देखते हैं कि आम जनता से इनसे कभी सलाह ना ली जाए, तो उनके अनुभवों का ज्ञान का उपयोग ना किया जाए, तो क्या होता है कि एक तानाशाही जैसी व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि कुछ अच्छे वैकल्पिक विकल्प हम ढूंढें जिससे हमें समानता, आजादी, न्याय, लोकतंत्र जैसे सभी को, सभी जो आजादी है, लोगों को न्याय है, लोग सभी को इन सब धारणाओं से क्या है, समानता मिले। और ये जो मॉडल है जिससे पर्यावरण और मनुष्य सब कोई भी प्रदूषित ना हो। हम देखते हैं आजकल निर्धनता कम हो रही है लेकिन गरीबी अभी भी एक चुनौती है। मतलब आप उल्टा करके देखिए, असमानता बढ़ रही है, संघर्ष विनाशकारी हो रहा है, वायु और जल क्या हो रही है, प्रदूषित। विकास तो हो रहा है लेकिन उनके उल्टे ये भी हो रहे हैं। पीने का पानी तेजी से दुर्लभ हो रहा है, औद्योगिक धंधे बड़े बड़े विकास हो रहे हैं कि वन नष्ट हो रहे हैं, जैव विविधता लुप्त हो रही है, विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु जो कि क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें ऐसे मॉडल की जरूरत है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग हो, भावी पीढ़ी की हम गुणवत्ता को ध्यान में रखें, प्रदूषण ना हो, आर्थिक विकास को सीमित ना करती हो, वितरण में समानता हो, मानवीय भौतिक प्राकृतिक पूंजी की संरक्षण हो, विकास के फायदे सभी लोगों को प्राप्त हो, लोग तांत्रिक सहभागिता को महत्व दिया जाए। तो इस प्रकार विकास और जो जीवन शैली है वो हमें इस प्रकार रखना है जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। गांधी जी ने कहा था पृथ्वी पर मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, किंतु पृथ्वी उपलब्ध संपूर्ण संसाधन भी मिलकर किसी एक व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने बताया था मानवीय गुणों के बारे में, क्योंकि आजकल जितनी भी विकास है वो अधिकतर मशीनों और टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो कई बार ऐसा रहता है कि हम ये सब चीजें सभी क्षेत्रों में लागू नहीं कर पाते हैं, तो हमें पर्यावरण में ऐसे साधनों का उपयोग करना है असंतुलन ना हो और हमारा पर्यावरण और मानव जगत दोनों क्या रहे, मतलब उनके लिए कोई संकट पैदा ना हो, उसके लिए हमें जनसंख्या नियंत्रण भी आवश्यक है। धन्यवाद।